सभी भाइयों को राम राम। आज मैंने फिर एक प्रकर्षण मजीरा और घुंघरू चौक ये लगा के मैंने जो मीठा मीठा तबले के साथ बजते हैं पैटर्न उनके हिसाब से मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छा पैच बना है। आप लोग इसे ज़रूर अपने पैड में बनाएं और ये किसी भी पैड में बनाया जा सकता है, कोई भी पैड है जिसमें हर पैड में जो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे तो उसमें ज़रूर बन जाएगा। आइए आपको थोड़ा इसमें हल्का बजा के दिखा देते हैं और उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। एक ही बैंक हमने इसमें यूज किया है, जैसे इसे पहले नंबर पर तो यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे बिल्कुल मीठा है और इसे ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। और इसे इस प्रकार से भी और इसे ऐसे भी प्ले कर सकते हैं और इसे यहाँ से भी इसे प्ले कर सकते हैं। और ख़ास करके तो ये चार जो हैं, तीन ये और दो ये, पांच में आप ले इसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। और ये जो डिब्बी की आवाज़ लगी है इसे भी आप इसे मिक्स करें तो ये कुछ और साउंड आएगा। अगर आप मान लो हमारा ठेका कुछ मीठा बज रहा है बहुत ही आसान तरीका है। इसे ऐसे भी बजा सकते हैं, यहां से अपना टूट है या ताली घुंघरू से ले सकते हैं इसे। बजा सकते हैं यहाँ से, हमने इसको जो तारे होते हैं उनको लगा दिया है और इसमें बाकी कुछ किया नहीं है। आइए देख लेते हैं इनका इंस्ट्रूमेंट थोड़ा। इस खाने में, पहले खाने में ओ जीरो दो का साउंड है, दूसरे खाने में यल 27 के घुंघरू है, तीसरे खाने में जे 28 की साउंड है, बड़ी जे 28 की साउंड है, चौथे खाने में ओ जीरो एक के घुंघरू है, पांचवें खाने में एल 12 की साउंड है और इसमें दूसरी बैंक में एफ 17 का मजीरा मिक्स है और इस खाने में छोटी एच 27 नंबर की छोटी चौक पड़ी है, इस खाने में एफ 17 का मजीरा खुला हुआ है और इस खाने में एच छोटी 28 नंबर की चौक लगी है। आप इसमें इंस्ट्रूमेंट सुन के भी आप अपने पैड में बना रहे, जैसे 30 है, 20 एक्स है या कोई भी पैड है, तो आप तो इतना तो ध्यान रहेगा कि इसमें क्या बज रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, साउंड का नाम बता देता हूँ, इसमें जो तारे बिखरते हैं उनका साउंड है, इसमें जो 30 में 119 पर साउंड घुंघरू है वो इसमें लगाएंगे, 119 के साउंड हैं जो घुंघरू हैं, और इसमें जो डब्बी की आवाज़ ये किर किर वाली है ये जो आप इसमें भी मिलेगी, 30 में भी मिलेगी, आप इसको ढूंढ के अपना सेट कर लें। और इसमें जो ओ जीरो एक के घुंघरू हैं जो 20 में ही मिलेंगे, केवल 20 और 20 एक्स में या पुराने 20 में, और ये घुंघरू 30 में नहीं होते तो इनकी जगह पर ये घुंघरू बनाने के लिए जो यल 119 के घुंघरू बनाएंगे तो इनका पिच माइनस करेंगे, इनका माइनस कम से कम 400 से 500 कर देना, जैसे ये घुंघरू हैं वैसे ये भी घुंघरू माइनस हो जाएंगे, बजने लगेंगे, लेकिन ये घुंघरू 30 में नहीं होते हैं। और इस खाने में यल 12 की साउंड है, यल 12 की, और दूसरी बैंक में एफ 17 की, और इसमें छोटी चौक है बता ही चुके हैं आपको, और इसमें मजीरा है एफ 17 का और इसमें 28 की चौक है। अब देखते हैं बाइलूम, बाइलूम पहले का 127 कर लें, दूसरे का 127, तीसरे का 127, चौथे का 127, पांचवें का 127, छठे का 127, सातवें का और आठवें का, देख लेते हैं पिच किसमें। हमने इसका जीरो रखना है,
इसका भी जीरो रखना है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो, इसका प्लस आप दो कर लें, ये घुंघरू जो लगे हैं इनका प्लस दो कर लें, और इसमें जो कांगो लगा है यलवारा का उसका प्लस आठ कर लें, मजीरा जीरो रखें, इसमें जीरो रखें, इसका भी जो जीरो रखें और इसका भी आप जीरो रखें। डीके देख लेते हैं थोड़ा, पहले का 50 कर लें, दूसरे का 100, तीसरे का 100, चौथे का 80, पांचवे का 80 दोनों बैंक हैं, और इसका 100 कर लें, इसका भी 100 कर लें, इसका 100 कर लें मजीरा का, और इसका भी आप 80 रखें, इसका 80 रखें। बाकी इसमें कुछ किया नहीं है, ना ही कोई डिले लगा है। आपको अगर समझ में ना आए कुछ भी तो हमसे पूछ सकते हैं, और आप लोग इसी तरह चैनल से बने रहें, चैनल से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राम राम।